स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आइए आज हम 6 अक्टूबर 2017 के करंट अफेयर्स देखें। करंट अफेयर्स सिक्स अक्टूबर 2017। तो आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है इंडिया इथियोपिया साइंड टू एग्रीमेंट्स। इंडिया इथियोपिया साइंड टू एग्रीमेंट्स। तो इसमें कौन से दो एग्रीमेंट है? पहला ट्रेड पे और दूसरा कम्युनिकेशन पे। दूसरा कम्युनिकेशन एंड मीडिया। और ये एग्रीमेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि जिबौती और इथियोपिया के 4 दिन की यात्रा पे हैं, उनके इथियोपिया यात्रा के दौरान किए गए। सो रामनाथ कोविंद विजिट टू इथियोपिया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रामनाथ कोविंद वीवी गिरी के बाद पहले राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट इथियोपिया। दैट मींस मतलब 45 साल बाद भारत से पहले राष्ट्रपति जिन्होंने इथियोपिया विजिट किया वो हैं रामनाथ कोविंद, और उनसे पहले कौन थे? वीवी गिरी, जिन्होंने कि 1972 में विजिट किया था। ठीक है, तो इथियोपिया के दौरे के दौरान रामनाथ कोविंद ने इंडिया इथियोपिया बिजनेस फोरम को एड्रेस किया, बिजनेस फोरम जो कि अदीस अबाबा में टेक प्लेस किया। अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में इंडिया इथियोपिया बिजनेस फोरम हुआ, उसको एड्रेस किया। और उसी दौरान उन्होंने इंडिया इथियोपिया 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन नामक बुक भी लॉन्च की। 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नामक उन्होंने इस दौरान बुक भी लॉन्च की, और उन्होंने इथियोपिया को भी थैंक किया। क्यों थैंक किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुड़ने के लिए उन्होंने इथियोपिया को थैंक्स किया। जैसा कि हमने कल देखा इंटरनेशनल सोलर अलायंस कि ये 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंके सोलेंडे ने लॉन्च किया था, और अभी तक इसको 40 देशों ने साइन किया। 40 कंट्रीज हैव साइंड, ठीक है, और 11 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है। तो ये जब 15 देशों द्वारा रेटिफाई हो जाएगा तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये क्रियान्वयन में आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया और इथियोपिया के बीच में सबसे पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन कब हुआ? जैसे कि हमें पता है कि 70 साल हो गए, तो 1948 में इंडिया और इथियोपिया के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए थे। तो सबसे पहले जो अम्बेसडर थे वो थे सरदार संत सिंह। इथियोपिया जाने के सबसे पहले भारतीय अम्बेसडर थे सरदार संत सिंह, और 1950 में इंडिया और इथियोपिया के बीच में फुल बायलैटरल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक विल लेंड 300 मिलियन यूरो फॉर बैंगलोर मेट्रो रेल फेज टू प्रोजेक्ट। तो न्यूज क्या है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बैंगलोर मेट्रो रेल फेज टू प्रोजेक्ट के लिए 300 मिलियन यूरो देगा। तो ये केवल यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ही नहीं दे रहा है, इसके अलावा जो है
एशियन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके अलावा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, ये भी बैंगलोर मेट्रो रेल फेज टू के लिए सम प्रोवाइड करेगा। तो एशिया AIIB जो है ये बेसिकली चाइना द्वारा लॉन्च किया एक मल्टी नेशनल मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बैंगलोर का मेट्रो रेल फेज टू ये 72 किलोमीटर का लगभग होगा, ये 72 किलोमीटर का होगा और ये साउथ से आपका नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करेगा। तो टोटल लेंथ 72 फेज टू में कितना होगा, 72 किलोमीटर का, ठीक है। और इसी में अब जीके से संबंधित जो सवाल आएंगे वो क्या है कि EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ये जो है लग्जमबर्ग में बेस्ड है, लग्जमबर्ग में बेस्ड है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी ट्रीटी ऑफ रोम के तहत, ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। दूसरा जीके का जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि कितने शहरों में एट प्रेजेंट मेट्रो रेल आ चुकी है, तो एट प्रेजेंट जो है 9 शहरों में, भारत के 9 सिटीज में मेट्रो रेल आ चुकी है, मेट्रो रेल आ चुकी है 9 शहरों में। तो ये हम देख लेते हैं कौन कौन से शहर है आपका, सबसे पहले तो दिल्ली में आया था, फिर जयपुर, फिर कोची मेट्रो, फिर मुंबई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो जिसे हम नम्मा मेट्रो के नाम से भी जानते हैं, बेंगलुरु मेट्रो, नम्मा मेट्रो, फिर उसके बाद हमारा है चेन्नई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, गुरुग्राम मेट्रो जो कि जहाँ पे रैपिड मेट्रो चल रही है, ठीक है, गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो है, और लास्टली कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो जो कि इंडिया में सबसे पहली मेट्रो रेल सर्विस है। तो इन 9 शहरों में हमारा मेट्रो रेल क्रियान्वित हो चुका है। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने, अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी लॉन्च की, न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 भी अप्रूव किया, ठीक है। कब, तो 16 अगस्त 2017 को, 16 अगस्त 2017 को न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, तीसरा टॉपिक है इंडिया एशियन म्यूजिक फेस्टिवल, इंडिया एशियन म्यूजिक फेस्टिवल। तो पहली बार इंडिया एशियन म्यूजिक फेस्टिवल पुराना किला नई दिल्ली में, पुराना किला नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हम सबको पता है कि पुराना किला किसने बनाया था, पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है, पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो यहाँ पे पहला इंडिया एशियन म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित होगा, कब से, 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, ठीक है। दूसरा कि ये क्यों हो रहा है, ये इंडिया और एशिया के बीच में 25 साल 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एशिया, इंडिया एशियन रिलेशन के उपलक्ष में किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि एशियन क्या है, सवाल ये उठता है एशियन क्या है, तो एशियन का मतलब है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो भी दक्षिण पूर्व में जो भी नेशंस है उनका एसोसिएशन। तो इनमें जो है प्रमुखता 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, और भारत और इंडिया के बीच में सबसे पहला जो रिलेशन हुआ था तो वो हुआ था 1992 में जब सेक्टोरल डायलॉग बना था, किसके, लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी के तहत, लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी के तहत बना था। तो 1992 में लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी
के तहत इंडिया सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना, फिर 1995 में इंडिया फुल डायलॉग पार्टनर बना और 2002 में पहला इंडिया एशियान समिट हुआ, इंडिया एशियान समिट हुआ और 2012 में इंडिया एशियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया एशियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ। और खास करके नरेंद्र मोदी के आने के बाद से नवंबर 2014 में 12वें इंडिया एशियान समिट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव रखी गई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव रखी गई, यूएन डिसाइडेड, यूएन एंड्स पीस कीपिंग मिशन इन हाइती, पीस कीपिंग मिशन इन हाइती, ठीक है। सो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने कल ये डिसाइड किया कि उसकी जो 13 साल पुरानी पीस कीपिंग मिशन है, 13 ईयर ओल्ड पीस कीपिंग मिशन जो हाइती में चल रही है, उसे एंड किया जाए। ये पीस कीपिंग मिशन सन 2004 में जब पोर्टो प्रिंस में दंगे हुए थे तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ, तब ये वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन वहाँ पे लाया गया था और उसको 13 साल पूरे हो गए। तो इस पीस कीपिंग मिशन का नाम जो है मिनुस्ता, ये एक फ्रेंच एक्रोनिम है जिसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, मिनुस्ता। अब इसमें जीके से संबंधित जो यूएन पीस कीपिंग मिशन हाइती में हुआ, तो इसमें जीके से संबंधित क्या है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन कब चालू हुआ, यूएन पीस कीपिंग मिशन कब चालू हुआ, ये सबसे पहले 1948 में चालू हुआ था जब आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के तहत इज़राइल और एंड अरब नेबर्स के बीच आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के तहत सुलझाने के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन को लाया गया था, ठीक है। अब इसमें जो है इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो सबसे ज़्यादा जो इस मोशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सबसे पहले इथियोपिया है, उसके बाद आपका बांग्लादेश है और फिर इंडिया है। सो दैट मीन्स कि दीज थ्री कंट्रीज आर द टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशन, जिसे हम ब्लू हेलमेटेड सोल्जर के नाम से भी जानते हैं, ब्लू हेलमेटेड सोल्जर के नाम से भी जानते हैं। पांचवा न्यूज़ है कि सीसीआई ने लगभग 6 करोड़ रुपए, सीसीआई ने लगभग 6 करोड़ रुपए 3 कंपनियों पे लगाया है। सो सीसीआई इम्पोज 6 करोड़ और फाइन ऑफ 6 करोड़ रुपीज़ ऑन 3 कंपनीज, और क्यों लगाया है कि दे हैव रिसोर्टेड टू, यानी कि उन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को रिसॉर्ट किया है दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर के वितरण में, दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर के वितरण में उन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रिसॉर्ट किया है। तो ये 3 कंपनी कौन है, 3 कंपनीज की आपकी पहली ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, फिर गुजरात अल्कलाइन इंडस्ट्रीज, फिर आदित्य बिरला ग्रुप की ही और एक इंडस्ट्री है, ग्रुप इंडस्ट्री उसी की एक और एक इंडस्ट्री है। सो इन 3 कंपनियों के खिलाफ 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपने जीके से संबंधित जो चीज़ है वो क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इसका जो ये आया था 2003 में, 2003 अक्टूबर 14 को इसकी नींव रखी गई थी, किसके तहत, अंडर कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002, जिसने कि रिप्लेस किया
मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1970 को, ठीक है। और इसके सबसे पहले जो चेयरमैन थे वो थे धनेंद्र कुमार, धनेंद्र कुमार। और अभी जो तत्कालीन आपके चेयरमैन हैं वो हैं स्मिता जिगारिन। अब आगे बढ़ते हैं, पूजा कल्दान विंस गोल्ड एट वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप। तो क्या है, पूजा कल्दान, भारत की पूजा कल्दान ने वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और ये स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट हैं, फर्स्ट इंडियन एथलीट, फर्स्ट इंडियन एथलीट है। और ये वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है कजान रशिया में, कजान रशिया में, ठीक है। और ये वुशु होता क्या है, वुशु एक जो है चाइनीज फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है, चाइनीज फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है, चाइनीज फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है। 14th इंडो इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट, इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट। सो 14th इंडिया ईयू समिट है ये, कल ये आज से आपका कहाँ अरेंज हो रहा है, ये आज से नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और ये 2016 में ब्रसल्स बेल्जियम में हुआ था, ब्रसल्स बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मुख्य मुद्दा उठेगा वो होगा कि बाइलैटरल बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम बिट्टा के नाम से भी कह रहे हैं, ठीक है। ये बिट्टा क्या है, बिट्टा, ठीक है, बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट। ये बिट्टा जो है ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि ईयू भारत के साथ साइन करना चाहता है, लेकिन इसमें हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर, इन्हीं प्रॉब्लम्स को इस 14th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के दौरान इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू 8th करंट अफेयर डे, कि नितिन गडकरी लेज फाउंडेशन स्टोन, नितिन गडकरी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर अंडमान ट्रंक रोड, अंडमान एंड ट्रंक रोड इन डिगलीप्यूर, इन डिगलीपुर, ठीक है। तो ये डिगलीपुर जो है अंडमान आइलैंड में है, जहाँ पे नितिन गडकरी और उनके साथ जो हमारे ये मतलब कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट है, और इनके साथ यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी, दोनों ने मिलके अंडमान ट्रंक रोड का डिगलीपुर में फाउंडेशन स्टोन ले किया। इनके अलावा इन्होंने बारतंग आइलैंड जो कि अंडमान में ही है, बारतंग आइलैंड में भी इन्होंने दो ब्रिजेस की नींव रखी, ठीक है। तो इसमें जो है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि अंडमान, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हमें पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये एक आर्किपेलागो है, यानी कि ये 300 लगभग आइलैंड्स का या द्वीपों का ये समूह है, ठीक है। ये 300 आइलैंड का समूह है जो कि अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, और इवन कोरल रीफ्स के लिए भी जाना जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गौर करने वाली रहेंगी वो क्या, कि अंडमान और निकोबार ये दो आइलैंड ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है, और निकोबार की है ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। और इन दोनों को जो सेपरेट करती है वो, ये बहुत क्वेश्चन पेपर्स में भी आया है, वो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और अंडमान में ही सबसे पुराने पैलियोलिथिक टाइम के ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंटिनेलिज। सो यहाँ पे चार ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सेंटिनेलिज है, अंडमानीज है जो कि वहाँ के
ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, शोम्पेंस हैं, शोम्पेंस, और चौथा जो है वो है निकोबारीस। सो ये चार तरीके के ट्राइबल्स यहाँ मिलते हैं। और इसमें देखने लायक है कि यहाँ पे बैरन आइलैंड भी है, बैरन आइलैंड है, ठीक है। बैरन आइलैंड इसलिए फेमस है कि यहाँ साउथ एशिया और इंडिया का द ओनली एक्टिव वोल्केनो है, यहाँ पे द ओनली एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड में, ओनली एक्टिव वोल्केनो है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जिसे हम पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है और ये इंडिया का सबसे निचला पॉइंट है। अ लेजिस्लेशन हैज़ बिन फ्लोटेड, अ लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन फ्लोटेड इन यूएस कांग्रेस, यूएस कांग्रेस फॉर स्टैब्लिशिंग स्टैब्लिशिंग गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज, स्कॉलरली एक्सचेंज, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि यूएस के कांग्रेस में एक लेजिस्लेशन फ्लोट किया गया है जो कि क्या करेगा, जो गांधी और किंग, गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज स्थापित करेगा, जिसके तहत जो है जो यहाँ के अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, चाहे यूएस के आके यहाँ पढ़ सकते हैं और वो गांधी और किंग के ऊपर रिसर्च करें। अब किंग है कौन? तो गांधी तो हमें पता है, ये महात्मा गांधी है, हमारे राष्ट्रपिता है, और ये जो किंग है ये गांधी से प्रेरित थे, जिनका पूरा नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सो ये अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट के अपने टाइम, यानी कि अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट जो कि 1968 में हुआ था, उस टाइम ये चर्चा में आए थे और उस टाइम ये काफ़ी फेमस हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इनकी एक स्पीच थी जिसका नाम है कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। तो इसमें रिमेंबर करने वाली बात क्या है कि मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने कि 1968 में सिविल राइट्स मूवमेंट की अध्यक्षता की, और उनका स्पीच क्या था, आई हैव अ ड्रीम। अभी हाल ही में गांधी, जो कि दो गांधी जयंती पड़ी 2 अक्टूबर को, तो उसके दौरान अभी हाल ही में गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ की नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके बुक निकाली गई है। तो ये भी पॉइंट एक रिमेंबर करने लायक है। टेंथ, सो टेंथ वन इज अनाउंसमेंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज, अनाउंसमेंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2017। तो ये जो है ये दिया गया है इंटरनेशनल कैंपेन फॉर एबॉलिशिंग एबॉलिशिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। ये आइकन को दिया गया है इस साल 2017 में नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। और ये पिछले साल दिया गया था कैलाश सत्यार्थी और यूसुफ यूसुफ मलाला को, यूसुफजई मलाला को, जो कि यूसुफजई मलाला हैं, ये यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज रेसिपिएंट थी, ठीक है। अब आइकन जो है अभी हाल ही में इसलिए दिया गया आइकन को, क्योंकि हाल ही में यूएन ने न्यूक्लियर बैन ट्रीटी जो कि यूएन जनरल असेंबली ने पास किया, जिसको कि लगभग 50 देशों ने साइन किया, एक्सेप्ट उन देशों ने साइन नहीं किया जैसे इंडिया है, यूएस है, इसराइल है, इन्होंने साइन नहीं किया क्योंकि ये इसको डिस्क्रिमिनेटरी मांगते हैं, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो आज का करंट अफेयर्स हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको हमारा करंट अफेयर्स कैसा लगा कृपया फीडबैक दें, और हमारे ऐसे ही करंट अफेयर्स पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।